वो है माता सरस्वती, ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी। ये देखिए बहुत ही सुंदर यंत्र है और इसके बीच में हमने लोटस, डबल लोटस को दिखाया गया है इसमें अच्छे से, एक नीचे पंखुड़िया एक ऊपर पंखुड़िया। आज कोई भी यंत्र वो तभी हमारा काम करेगा जब उसके बीच में एक्यूरेट ज्योमेट्री है। उस जगह से यंत्र ले जहां पर कि एक्यूरेट एक एक एंगल का ख्याल रखा जाता है, तो वो है शालिग्राम शाला या शालिग्राम.com, जहां पर कि ये हम एक एक चीज का बड़ा माइन्यूटली ध्यान रखते हैं और हर एक स्टेप जब हम बनाते हैं तो इसका एक पूजा होती है, इसमें एक संस्कार होता है जो कि हम इसमें डालते हैं और फाइनली फिर इसको हम गोल्ड प्लेटिंग करवाते हैं। नमस्ते डिवोटीज, मैं हूं राजीव कृष्णा और मैं हूं फाउंडर ऑफ शालिग्राम.org एंड शालिग्राम.com का, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महालक्ष्मी ऑन डबल लोटस। ये जो महालक्ष्मी हमने यंत्र बनाया है ये है डबल लोटस में। डबल लोटस वाले जो यंत्र हैं वो एक्यूरेट यंत्र हैं। आज जो हम डबल लोटस नहीं बनाते और थ्री डायमेंशनल मेरू बना देते हैं वो यंत्र इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि आज हमारे पास में जो तीन गॉड्स हैं जो कि डबल लोटस में बैठते हैं वो है माता सरस्वती, ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी। तो आज डबल लोटस में ये यंत्र हमने बनाया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर यंत्र है और इसके बीच में हमने लोटस, डबल लोटस को दिखाया गया है इसमें अच्छे से, एक नीचे पंखुड़िया एक ऊपर पंखुड़िया, और उसमें सारे में हमने लेजर से कट किया है, सारे मंत्र इसमें लेजर से कट किए हुए हैं। और इसके बीच में अष्ट लक्ष्मी जो आठ लक्ष्मियों का स्वरूप है, जिस तरह की उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में ये हमने आठ लक्ष्मियों को दिखाया है, और अंदर जो भूपुर है उसमें भी हमने बाकी चार बाहर और चार अंदर लक्ष्मियों को दिखाया है। ये है 8x8 का यंत्र, 8x8 का। इसका वेट करीब 3 किलो के करीब है, बट इट इज परफेक्ट यंत्र और इसको बड़ा अच्छा हमने करके रखा है। और इसी तरह हमारे पास में एक और यंत्र है जो इससे छोटा है, जो कि 6.5x6 में है और वो भी महालक्ष्मी यंत्र है बिल्कुल ऐसा। इसमें भी हमने चार जगह पर जो है वो माता जी को दिखाया हुआ है। और ये जो हमारा महालक्ष्मी यंत्र है ये हम पूजा करते हैं इसकी जब हमें अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ चाहिए, जब हमें बहुत ज्यादा वेल्थ चाहिए और हमें बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, तब हम इन यंत्रों की पूजा करते हैं और उसमें हमें सफलता प्रदान होती है। आज कोई भी यंत्र वो तभी हमारा काम करेगा जब उसके बीच में एक्यूरेट ज्योमेट्री है। आज इसकी अगर हमारे यंत्रों की एक्यूरेट ज्योमेट्री नहीं है, कोई ट्राइंगल या कोई लीफ या कोई सर्कल हमारा इनएक्यूरेट है, वो यंत्र हमारा इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। इसीलिए उस जगह से यंत्र ले जहां पर कि एक्यूरेट एक एक एंगल का ख्याल रखा जाता है, तो वो है शालिग्राम शाला या शालिग्राम.com, जहां पर कि ये हम एक एक चीज का बड़ा माइन्यूटली ध्यान रखते हैं और हर एक स्टेप जब हम बनाते हैं तो इसका एक पूजा होती है, इसमें एक संस्कार होता है जो कि हम इसमें डालते हैं और फाइनली फिर इसको हम गोल्ड प्लेटिंग करवाते हैं जब हम इसकी लिखाई जो हमने इसका लेजर प्रिंट किया है, लेजर से कट करके जो मंत्र लिखे हैं उसके बाद में फिर हम इसको वैसा रखते हैं। तो श्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ॐ महालक्ष्मी नमः। तो महालक्ष्मी यंत्र हमें धन के लिए होता है और इससे हमें अपार धन मिलता है। इससे हमें वो धन को कैसे कंटेन करें, वो धन को भी हम कंटेन करना भी हमें आता है। सो इट इज अ वंडरफुल यंत्र फॉर वेल्थ। वी कैन कंटेन वेल्थ, वी कैन अर्न लॉट्स ऑफ लोड्स ऑफ वेल्थ एंड वी कैन बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ
एंड वी कैन बी सक्सेसफुल इन ऑल आर एंडेवर्स। हमें हर काम में सफलता मिल सकती है अगर हमारे पास में इस तरह का दिव्य यंत्र हमारे मंदिर में हो और जिसकी हम पूजा कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच डिवोटीज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट महालक्ष्मी यंत्र ऑन डबल लोटस विल बी अ मोस्ट एक्यूरेट यंत्र इन दिस ब्रह्मांड। दे आर मच मच मोर पावरफुल देन द प्लेट यंत्र। जो हमारे पास प्लेट यंत्र होते हैं उनसे भी ये ज्यादा पावरफुल यंत्र होते हैं, बिकॉज ये मेरु यंत्र है, दे आर थ्री डायमेंशनल और इसके अंदर से ये हॉलो है, अंदर से ये हॉलो होता है एंड इट इज वेरी पावरफुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। महालक्ष्मी माता की जय। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। माता लक्ष्मी की जय।